आखिरी ओवर में ये तीन गलतियां पड़ गई दिल्ली कैपिटल्स पर भारी। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने मंगलवार को खेले गए आईपीएल के 16वें मैच में अपनी पहली जीत दर्ज की। मैच का नतीजा आखिरी ओवर में आखिरी बॉल पर निकला। एमआई की शानदार शुरुआत के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने मैच पर पकड़ बनाई और दो ओवरों के बीच तीन विकेट चटकाकर धड़कने बढ़ा दी। मैच आखिरी ओवर तक गया। यहां दिल्ली कैपिटल्स के पास घर में अपनी पहली जीत दर्ज करने का मौका था, लेकिन टीम की तीन गलतियों ने इस पर पानी फेर दिया। एक, मुकेश कुमार ने किया कैच ड्रॉप। एमआई को लास्ट ओवर में जीत के लिए 5 रन बनाने थे। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से आखिरी ओवर में पहली चूक मुकेश कुमार से हुई। एनरिक नॉर्खिया की दूसरी गेंद पर टिम डेविड ने मिड विकेट की ओर शॉट खेला तो यहां मुकेश कुमार ने हाथ में आया कैच ड्रॉप कर दिया। मुकेश बॉल की स्पीड के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए और गेंद उनके हाथों से गिरकर नीचे जा गिरी। दो, ललित यादव ने गवाया रनआउट का चांस। दूसरी गलती 5वीं गेंद पर ललित यादव ने ठीक इसी जगह की। नॉर्खिया की गेंद पर कैमरॉन ग्रीन ने इस जगह शॉट मारकर एक रन चुराने की कोशिश की, लेकिन यहां खड़े फील्डर ललित यादव ने इतनी जोर से बॉल को फेंका कि वो गेंदबाज की पकड़ से काफी दूर चली गई। गेंदबाज ने बेल्स तो गिराई, लेकिन बॉल उनके हाथ में नहीं थी। इस तरह एक बार फिर कैपिटल से बड़ी चूक हो गई। तीन लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने ऊंचा दिया थ्रो। तीसरी और आखिरी गलती लास्ट बॉल पर लॉन्ग ऑफ के फील्डर से हुई। नॉर्खिया की गेंद पर टिम डेविड ने बल्ला घुमाकर लॉन्ग ऑफ की ओर बॉल का रुख मोड़ दिया। वे तेजी से भागे, यहां खड़े फील्डर ने बॉल को सही समय पर पकड़ भी लिया, लेकिन उसने विकेटकीपर एंड की तरफ इतना ऊंचा थ्रो दिया कि अभिषेक पोरेल जब तक बॉल को उछलकर लपकते और बेल्स उड़ाते तब तक टिम क्रीज तक पहुंच चुके थे। आखिरकार आखिरी बॉल पर एमआई ने कैपिटल्स के जबड़े से जीत छीन ली।